हेलो दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, अगर आपने विक्की की पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ऐसे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप संज्ञा और नाउन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की, आपका अपने YouTube चैनल विक्की की पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं हिंदी में कि संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा लिख रखी है। जैसे मैं इसे पढ़ के बताता हूँ आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाग के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा में मैंने नाम और संज्ञा दोनों को लाल रंग से लिखा है, क्योंकि दोस्तों संज्ञा और नाम दोनों बात बराबर है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो या किसी के भी भाग का नाम हो, दोस्तों नाम होना ही अपने आप में संज्ञा होता है। यहाँ पे मैंने चारों उदाहरण दिए हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के। जैसे पहले उदाहरण में मैंने लिखा है राम खेल रहा है। राम यहाँ पे संज्ञा है जो कि व्यक्ति है। मेरे पास कार है, कार भी यहाँ पे दोस्तों संज्ञा है जो कि वस्तु है। तुम अमेरिका में रहते हो, अमेरिका यहाँ पे संज्ञा है जो कि स्थान है। मैं आज बहुत खुश हूँ, ये जो खुश है ये दोस्तों संज्ञा है जो कि भाव है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि संज्ञा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, वो संज्ञा कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं इंग्लिश में, ए नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस और एब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड नाउन। दोस्तों किसी भी पर्सन का नेम, जैसा कि मैंने हिंदी में बताया किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी थिंग का नाम यानी वस्तु का नाम, प्लेस यानी स्थान का नाम, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव का नाम। यहाँ पे मैंने हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में लिखा है, राम इज प्ले, राम इज अ नाउन। आई हैव अ कार, कार इज अ नाउन। यू लिव इन अमेरिका, अमेरिका इज अ नाउन। टुडे आई एम सो हैप्पी, हैप्पी इज अ नाउन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों की परिभाषा संज्ञा और नाउन की समझाई कुछ उदाहरणों के माध्यम से। अब मैं इसकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाता हूं अगली स्लाइड में। चलिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने मिडल पे लिखा है यानी सेंटर पे लिखा है संज्ञा यानी नाउन, और उसके चार तरफ मैंने उसकी चारों इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जैसे कि पर्सन, व्यक्ति, थिंग, वस्तु, प्लेस, स्थान, एब्स्ट्रैक्ट, भाव। दोस्तों इनके ही नाम को हम संज्ञा कहते हैं, भले कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी वस्तु का नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो, कोई भी भाव का नाम हो। मैंने आगे की स्लाइड में इसे वन बाय वन कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से समझाया है, चलिए उसको हम देखते हैं। दोस्तों पर्सन, व्यक्ति, दोस्तों व्यक्ति का मतलब यहाँ पे है संजीव प्राणी। संजीव प्राणी भले वो कोई महिला हो यानी मानव हो यानी ह्यूमन बींग हो, कोई पेड़ यानी ट्री हो या कोई टाइगर हो, दोस्तों ये सभी संजीव है, ये सभी व्यक्ति यानी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। यानी इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी संजीव प्राणी है यानी लिविंग थिंग है, उसका नाम ही दोस्तों अपने आप में संज्ञा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने थिंग यानी वस्तु निजी प्राणी के बारे में लिखा है। तो दोस्तों जितनी भी वस्तुएं वो क्या है, वो निजी प्राणी, जैसे कि कोई कार हो, कोई घड़ियां हो या मोबाइल, या और भी अलमारी हो, सोफा हो, पलंग हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सभी वस्तुओं के नाम है, तो ये भी संज्ञा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ स्थानों के बारे में लिखा है यानी प्लेसेस के बारे में।
This is your सदा जैसे कि अमेरिका अमेरिका देश हो या कोई बैंक हो या कोई स्कूल जैसे सदर बाजार हो दिल्ली हो पंजाब हो ये सभी स्थानों के नाम है ये भी दोस्तों संज्ञा ही है आगे जैसे अब इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव क्या होता है दोस्तों ये जो भाव है ना ये जो भाव है ये इसको आप देख नहीं सकते हम कभी भी भाव को देख नहीं सकते हम एब्स्ट्रैक्ट होता ही हुआ है जिसे आप देख नहीं सकते दोस्तों यहाँ पे मैंने बच्चे की तस्वीर लगा रखी है क्या आप बच्चे को तो देख सकते हो पर उसके बचपन को नहीं देख सकते हाँ उसके बचपने को आप महसूस कर सकते हो उसकी एक्टिविटी के लिए यहाँ पे मैंने वृद्ध व्यक्ति यानी ओल्ड पर्सन की मैंने इमेज लगाई है जो कि बता रहा है कि आप ओल्ड व्यक्ति को तो देख सकते हो परंतु दोस्तों आप इसके बुढ़ापे को महसूस कर सकते हो तो दोस्तों आप क्या है दया क्रोध प्रेम घृणा ईर्ष्या ये सब दोस्तों हमारे एब्स्ट्रैक्ट हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते इन्हें केवल महसूस कर सकते तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको संज्ञा और नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाने की कोशिश की है अगर आपको मेरा ये ज्ञान अच्छा लगा